बुरे पुराने जख्मों को छेड़ना नहीं चाहता था तो लेकिन आपकी बात इस देश के लाखों नौजवानों को लाखों बच्चों को प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है कुछ बताएंगे उस समय हाई स्कूल में क्या सोचा था आपने मन में इस इससे बात करने का आ, कर रहे हैं उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर कम से कम बात करूँ आपके पिताजी सामने बैठे थे और आप उस मीटिंग को ले रहे थे उस पल में आपको कैसा महसूस हुआ बड़ा कई बार भावनात्मक चीज़ें हो जाती हैं लेकिन आपने उत्तराखंड में और देहरादून हरिद्वार में जिस तरह खनन माफियाओं को मेन बेड़े सिंडिकेट को पकड़ा तो ये खूबसूरत चेहरे के पीछे और फिर ये इतना खौफनाक सिंगम टाइप के बी एस के बीच का देखिए मुझे मुझे नहीं पता आपका किन लोगों से क्या बात हुआ है उन दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार ने मुझे क्या क्या लॉजिस्टिक दी हैं सरकार ने मुझे क्या क्या उपाय दिए हुए हैं उन उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि आपने खनन माफियाओं की यहाँ कमर तोड़ी वो बेचारे उत्तर प्रदेश के बरेली में अपने पॉलिटिकल शरणदाताओं के घर गए तो आपने बरेली में जा उनको पकड़ा बरेली के बाजार तीन दिन तक बंद रहे खनन एक ऐसा चीज़ है जिसमें पुलिस का रोल बड़ा मिनिमल है क्या बात कर रहे हैं सारा पैसा तो पुलिस वाले खनन से कमाते हैं जो एक्चुअल में बैकबोन है जो सफ़ेद पोस्ट जिनको हम लोग कहते हैं संभ्रांत लोग लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया उनके खिलाफ मुकदमा लिखा उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंगम बनने वाले स्टाइल में आप हमेशा आप बड़े लोगों की गर्दन पकड़ने में ज़्यादा डिस्टर्स रखते हैं ओनीडा वाली जब बड़ी कंपनी है ओनीडा आपने ऐतिहासिक उसकी कार्रवाई कर दी कुर्की की हो गई पूरे देश की राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में कभी कभी आदमी को लगता है कि मैं थोड़ा सिंगम स्टाइल करूँ बड़े लोगों को पकड़ूँ बड़े लोगों को लाऊँ तो मेरे को ज़्यादा ब्रांडिंग मिलेगी तो ओनेडा पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी आपको जहाँ पर मेरा जहाँ पर मैं तैनात हूँ वहाँ पर मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है मुझे क्या करना चाहिए अरुण जी कौन एस एस पी डंडा लेकर सड़कों पर आके ट्रैफिक संभालेगा मैं आपको कह रहा जितने भी इस... आप जो आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं कि हमारा पुलिस का वर्किंग ये होना चाहिए इस सिस्टम में आप भी और मैं भी हूँ कितने आई पी एस अफसर ऐसे हैं जो ये चाहते ना छपे आप मीडिया की दुकान क्यों बंद करना चाहते हैं हम लोगों के पास तो उन तमाम ढेर सारे आई पी एस अफसर हम लोग चाय कॉफी इसीलिए पिलाते रहते हैं कि हम ब्रांडिंग छापते रहे उनकी एनकाउंटर आज आज डकैती तो आप आप अपवाद हो सकते हैं लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि मीडिया में छुप के काम करें मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मीडिया से छुपके काम करना है करना है अरुण जी आप इस सिस्टम को क्यों बदलना चाहते हैं देखिए आग लगती है मजदूर मरते हैं मीडिया कुछ दिन बड़ा सिखाता है पंद्रह दिन बाद मीडिया को ऐड मिल जाते हैं खबर बंद हो जाती है अफसर भी दाएं बाएं कोटी पे खाना खा लेते हैं और चीज़ें फैले दब हैं लेकिन आप आप मानते हैं कि आप इतनी बड़ी काम करेंगे ओनेडा जैसी बड़ी कंपनी और जिस समय की घटना थी वो देश की शीर्ष में ओनेडा का नाम ऐड आता था आप उसके मालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देंगे उसकी कुर्की कर देंगे तो आपको लगता है और दूसरी बात मैंने इस पर पड़ताल करी आप जिस स्पीड से वो काम करना चाह रहे थे आपके सिस्टम ने इस काम को रोक दिया जो गलत प्रैक्टिस है उसको आप रूटीन प्रैक्टिस मान या उसको बेसिक प्रैक्टिस मान लिया है मतलब एक धारणा जो है वो गलत बन गया है जिसको सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी दी थी आज वही समाज अगर ये मान रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा बेईमान हो चुका तो इसमें दोष किसका ब्यूरोक्रेट्स का ही तो है जो आप कह रहे हैं हो सकता है उसमें काफ़ी लॉजिकल बात हो जैसे मैं अभी देख रहा था लखनऊ में एनकाउंटर के नाम पर एनकाउंटर के नाम पर हुआ है या कैसे हुआ है एक इनोसेंट आदमी का जान चला जाता है आप फ्रेटर्निटी दिखाने के लिए उसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो इसमें जो है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके एक्जनटरी कार्रवाई होना चाहिए मतलब आप चाह रहे हैं कि रामराज की बातें जो है वो ब्यूरोक्रेट्स अपना ले सर मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ किसी भी स्तर पर हमारा टॉलरेंस जो है इन चीज़ों के लिए जीरो होना चाहिए जो कार्रवाई सामान्य व्यक्ति के संग हो जाती है किसी भी आई एस आई पी एस से करप्शन में पकड़े जाने पर उस कार्रवाई होने में सालों लग जाते हैं और अधिकांश केसों में कार्रवाई होती नहीं है टोटली मिसकंसेप्शन है टोटली मिसकंसेप्शन है या, या इतने बड़े तिकड़मी थे कि जो एजेंसी थी वो उनकी थी नहीं मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकारी को जानता हूँ आईपीएस अधिकारियों को तो अब अगर ब्यूरोक्रेसी में और ख़ास तौर से अगर आईएएस आईपीएस अफसर भी ये तय करेंगे कि मेरी जाति का एसडीएम और मेरी जाति का थानेदार कुछ लोग हो सकता है अक्सटेंट्स हर जगह होते हैं उस तरह के लोग आइडेंटिफाई किया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होता है कभी ऐसा हुआ कि आपके ऊपर तैनाती को लेकर इधर होगा ये इंस्पेक्टर यहाँ पे रख दो या हटा दो लोग खराब हो सकते हैं हर जगह होंगे कुछ लोग कुछ लोग मीडिया में भी ख़राब होंगे

द संजय शर्मा शो में शुक्रवार शाम 6 बजे और पढ़िए 4 पीएम और वीकेंड टाइम्स पर